हेलो फ्रेंड्स, लुबनास किचन में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आप लोगों के लिए कढ़ाई चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये जायके में बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये 500 ग्राम विथ बोन चिकन है, इसे हम मेरीनेट करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, स्वाद के मुताबिक नमक, विनेगर है 1 टीस्पून। अब इन सबको मिक्स कर देंगे। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। चिकन मैरिनेट होता है तब तक हम इसका एक स्पेशल ड्राई मसाला तैयार कर लेंगे। ये मसाला इस डिश की जान है। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून सौंफ, 10 से 12 काली मिर्च, 4 लौंग, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 सूखी लाल मिर्चें जिसे मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है, 1 छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। इसे बिल्कुल हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। मसाला ठंडा होने पर इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। इस तरह का दरदरा होना चाहिए, तो फाइन पाउडर नहीं बनाना है। ये चिकन मैरिनेट हो गया है। अब पैन या कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम चिकन के पीसीस को अरेंज कर देंगे और मीडियम आंच पर इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हल्का फ्राई करने के बाद दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसका लीड लगाकर इसे 70% तक पका लेंगे। चिकन 70% तक पक चुका है, इसे बाहर निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में बचा हुआ तेल और 1 टेबलस्पून और तेल ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा गर्म होने देंगे। ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जैसे 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, फूल चक्री और 1 तेज़पत्ता डाल देते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर भून लेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज की पेस्ट लेकर इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसका हल्का ब्राउन रंग हो गया है। अब इसमें 2 से 3 कच्चे टमाटर की पेस्ट डालेंगे। टमाटर का कच्चापन दूर होने तक इसे भून लेना है। अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और जो हमने दरदरा मसाला पीसा था वो 1 टीस्पून डालेंगे और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची भी डाल देंगे। इन्हें भी अच्छे से भून लेना है। मसाले में से तेल बाहर आ गया है, इसका मतलब ये है इसे अच्छे से हमने भून लिया है। ये काजू की पेस्ट है, जिसे मैंने 8 से 10 काजू और थोड़ा सा दूध डालकर तैयार कर लिया है। इसे डालकर इसे हल्की आंच पर भून लेना है। काजू की पेस्ट डालने से मसाला ज़्यादा रिच लगेगा। अब हम इसमें फ्राई की हुई चिकन ऐड कर देंगे। इसे भी मसाले के साथ एक से दो मिनट तक भून लेना है। गैस की आंच स्लो रखेंगे। अब इसमें कटा हुआ टमाटर, 1 कप पानी और स्वाद के मुताबिक नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। दस मिनट के लिए इसे ढक्कन ढककर अच्छे से पका लेंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे दूसरे बर्नर पर रखकर हल्की आंच पर पकने देंगे। इस बर्नर पर एक फ्राई पैन लेकर इसमें 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें छोटे टुकड़ों में कटी हुई लाल, हरी और पीली मिर्च डाल देंगे। अगर लाल और पीली मिर्च ना हो तो आप सिर्फ हरी मिर्च यानी शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। अभी इन्हें 1 मिनट तक हल्का फ्राई होने देंगे।
और अब इसमें दरदरा पिसा हुआ मसाला डालेंगे। इन सबको चिकन में डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल दीजिए। नॉर्मली कढ़ाई चिकन की ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं होती, इसी तरह से इसे थिक रखा जाता है। बस इसे थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं ताकि सब मसाले अच्छे से मिल जाए। बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है, सारा किचन खुशबू से महक गया है। अब हम कटा हुआ हरा धनिया और दरदरा कुटा हुआ थोड़ा सा मसाला डाल देंगे और गैस की आंच बंद कर देंगे। तो लीजिए, कढ़ाई चिकन बनकर तैयार है। आप इसे किसी खास मौके पर या त्यौहार पर ज़रूर बनाइएगा। इसका स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होता है, यानी बिल्कुल जैसा रेस्टोरेंट में बनता है ऐसा इसका स्वाद होता है। कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने बनाया है कि रेस्टोरेंट से मंगाया है। तो चलिए इसे बनाइए, जाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।